रोजी रेंगल में जाना काम है, अपना और टीममेट को खरोच भी आ जाए तो हम बदला लेकर आते हैं। जैसे भी है ठीक है, किसी के जज्बातों से तो नहीं खेलते हम, पबजी में पेटियां चमकाते हैं। अपना कुछ टाइम पास करने के लिए दूसरों को जिंदगी भर के सपने दिखाना एक पाप है, थोड़ा बच कर रहना जिंदगी में और इरेंगल की इस दुनिया में लेटे रहते सांप है। रे भाई किलचोर कती धुमा ठा दे धुमा, नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो। एक बात बोलू तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाईयो, तो भाईयो आज की इस गेम प्ले वीडियो में भाई फुल तबाही देखने को मिलेगी। और सबसे पहले तो भाई हम खेलने वाले हैं पकड़म पकड़ाई। भाग चुन्नू भाग, भाग जा चुन्नू, तुझे बोटनी की कसम चुन्नू, भाग जा मिलिट्री बेस छोड़कर भाग जा चुन्नू, तुझे देसी घी का चूरमा खिलाऊंगा चुन्नू। भाई सब तेरे मटकने की आवाज अभी भी यहीं पर आ रही है, भाग जा चुन्नू। चुन्नू भाई साहब तू मरेगा, भाई साहब तू नहीं भाग रहा। और इस भाई साहब को टपकाने में ना भाई मेरा ग्लूकोस डी खत्म हो गया भाई, ये इतना भागा भाई कि मैं थक गया भाग भाग कर इसके पीछे। वैसे बहुत ही ज्यादा मजा आता भाई जब कोई बंदा इस तरह से भागे और हम उसकी पेटी चमका दे। और नाम से तो भाई ये मुझे मम्मी का कॉकरोच लग रहा था, लेकिन भाई इसने कपड़े जो है पापा की परी वाले पहने हुए थे तो इसको तो मुंह दिखाई दे दिया। और ये देखो भाई अब ये बोट था, लेकिन इसका नाम देखो ड्रैगन। भाई बोट बोट नहीं होगा, सरपंच था सरपंच। और मुझे तो लग रहा था कि भाई इस मम्मी के कॉकरोच को कोई आशीर्वाद देने लग रहा होगा, लेकिन ये भाई साहब जो है मिलिट्री बेस में अकेला ही आया था भाई, शायद अपनी जंग ऐसे भी नहीं हिला, समझदार बंदा था भाई ये, ऑफलाइन हो गया। अब आगे आया तो एक बंदे की आवाज आने लग रही थी, उठ सब के कदम तारारम पम पम, ए जी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारारम पम पम। किलचोर भाई रोज पेटिया चमकाया करो। अब मुझे तो सब पता है कि भाई ये बिल्ली के रूप में भालू है, लेकिन इसको नहीं पता किलचोर इनसे भी चालू है। अब ये चुन्नू भाई साहब जो है यहाँ पर खड़ा होकर भाई मोली फेंकने की सोच रहा था, लेकिन मैं यहाँ से आया ही नहीं भाई, मेरी मर्जी में कहीं से भी घुसू भाई घर में, तो मैं दूसरी साइड से गया और मैंने उसकी पेटी चमका दी। अब उस साइड भी फाइट चल रही थी, तो इन बंदों को देखते भाई अब और एक बंदे को भी मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो भाई किल फील्ड में देख लेना, एक बंदा जो है मेरे से ही नॉक हो गया था उसी टाइम, भाई मेरे टीममेट ने भी किसी को नॉक कर दिया था। वैसे मैंने एक बंदे को यहाँ पर नॉक किया था, तो आप देख सकते हो मोनू नाम का लड़का था भाई, और मेरा ये जो है भाई किल कोई और चोरी कर लेगा। तो इस बंदे ने भाई मेरे किल चोरी कर ली। अब नाम तो हमारा है किल चोर, लेकिन भाई फर्ज कोई और निभाने लग रहा है। और ये वही पापी इंसान था भाई जिसने तुम्हारे भाई किल चोर का भी किल चोरी कर लिया था, तो इसकी तो हमने पेटी चमका दी थी और अपने दिल चोर भाई को रिवाइव देकर आगे निकलते। भाई किल चोर बोटनी को मत मारा कर। वैसे ये बोटनी नहीं थी भाई, ये बोट ही था, लेकिन ये अपनी बुआ की लड़की के कपड़े पहन कर आया था भाई बोटनी के। और इस भाई के पास 3x था, पता नहीं भाई इनके पास क्या काम होता है ऐसे ऐसे स्कोप का, तो मेरे पास 6x था और आज यहाँ पर भाई बहुत सारे 6x थे। अब मिलिट्री बेस जो है बिल्कुल खाली हो गया था, तो यही बंदे हमें जो है लपेटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ से निकल जाते हैं और अब जो बहुत ही खतरनाक सीन आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ चुन्नू मुन्नू ने जो भाई ब्रिज ब्लॉक कर लिया था। और अब यहाँ पर हमारे दिल चोर भाई हो गए थे भाई घायल, लेकिन मैंने भाई इनके 3 बंदों की ऐसी तैसी कर दी थी और यहाँ पर भाई मेरी हेल्थ जो है डाउन हो गई थी,
तो सामने एक बंदा था जो अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दे रहा था, उसके मटकने की आवाज आने लग रही थी भाई मुझे। और भाई मुझे 10-15 किलो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चुन्नू मुन्नू के साथ हाथापाई करते करते भाई हमारे दिलचोर भाई की पेटी से भी धुआं उठ गया, तो नहीं बचा पाए भाई हम अपने दिलचोर भाई को, थोड़ा सा लेट हो गए। अगर हम इनको बचाने लग जाते तो हो सकता था कि हम दोनों की पेटियां चमका देते, ये नेड कर देते या फिर भाई रस कर देता। तो जो भी था अभी इनको टपकाने के बाद हम निकल जाते और आ जाता हूँ भाई मैं सरकारी ड्रॉप के पास। अब चुन्नू मुन्नू को बाद में कूटेगा, पहले दिलचोर सरकारी माल लूटेगा। अब ड्रॉप लूटने के बाद भाई मैं अपने एक नंबर को बिठा कर घूमने लग रहा था भाई, बंदे ढूंढ रहा था। और हमारा एक नंबर ना भाई सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा था। अब मुझे ऊपर एक गाड़ी दिखी तो मुझे लग रहा था कि भाई हो सकता है कि इसका फ्यूल खत्म हो इसलिए कोई छोड़ कर गया हो, लेकिन जब आगे आया ना भाई तो आगे से किसी ने फायर की। अब एक भाई साहब का तो भाई वीजा लग गया था अंतरिक्ष का, अब इसके दूसरे चुन्नू भाई साहब को भी टपकाते और इसने भाई नेड किया था, तो मैं आगे आ जाता हूँ। मन करता कि आज सबको एनर्जी ड्रिंक पिला दू भाई, तुम बोलो तो आज पूरा ही रंगल हिला दू। अब इन चुन्नू मुन्नू की तो पेटियां चमका दी थी, लेकिन भाई उसी टाइम जो है यहाँ पर एक भाई साहब जो है अपनी धूम 3 लेकर आया। सरकारी ड्रॉप लूटूंगा आज तो। और अब यहाँ पर भाई हम फंस चुके थे क्योंकि सरकारी ड्रॉप यहीं पर आ गया था, और अब भाई यहाँ पर बंदे ही बंदे आ जाएंगे। भाई किलचोर बाइक को मत मार, मर जाएगी वो। और अब इस चुन्नू भाई साहब ने भाई सरकारी ड्रॉप के पीछे ही अपना आसियाना बना लिया था, तो मैं यहाँ पर कुछ गोला बारूद फेंकता हूँ और हमारी भाई कुछ देर ऐसे ही फाइट चलती रही। मैं सोच रहा था कि ये बंदा जो है ड्रॉप का कवर छोड़कर निकलकर भाग जाए, लेकिन भाई ये इसी के पीछे बैठा था और नेट भी जो है इसके पीछे जाकर फटने लग रहे थे, लेकिन भाई ये नहीं टपका। भाई किलचोर मंत्र पढ़ के नेट फेंक, मंत्र पढ़कर याद कर अपनी वो काली शक्तियां मंत्र पढ़ने वाली। और अब जिस चुन्नू भाई साहब को हम इतनी देर से परेशान करने लग रहे थे भाई, जीने ही नहीं दे रहे थे, उसके मुन्नू टुन्नू भाई साहब आ गए थे भाई पीछे, शायद ये इसी के टीममेट थे और इसने भाई हमारे एक नंबर की ऐसी तैसी कर दी, ऐसी M24 मारी भाई कि इसके हो गया पेट में दर्द। और अब ये भाई भी हमारे पर पुश करने की सोच रहा था, तो पहले एक नंबर को बचाते हुए, वैसे भाई एक नंबर ना बहुत ही खतरनाक बंदा था, इसके कारनामे देखते रहना तुम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऊपर वाला जो है एक नंबर को किन पापों की सजा देने लग रहा था, तो भाई साहब जो है बार बार नोक होने लग रहे थे और आशीर्वाद लेने लग रहे थे। अब ये भाई साहब एक नेड और करने वाला था, लेकिन इसको मैंने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था, तो अभी ये नेड नहीं करेगा, पहले ये हेल्थ करेगा। अब बंदे कर जाएंगे किलचोर को हजम, किलचोर भाई का हो गया गोला बारूद खत्म। कम इस सब में होती है, हम हमेशा सीखते रहेंगे, आज फिर इरेंगल में जान नजर पड़ेगी, वहां चमकते डब्बे दिखते रहेंगे। अब इन सब की तो यहाँ पर पेटियां चमका दी थी, लेकिन भाई जिसने हमारे एक नंबर को M24 के साथ नोक किया था वो कर देता है हमारे ऊपर पुश। दीवार जल्दी निकल, किलचोर की रक्षा करनी तुझे। और आज हमारे भैये 20-30 रुपए के बम जो भाई खराब गए, एक बंदे का भी खोपड़ा नहीं फटा। मैं ये मोली फेंकता हूँ तो ये चूहा जो भाई निकलकर भागता बिल से, लेकिन अब बारी थी भाई मंत्र वाले नेड की, क्योंकि भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा।
ओम भट्ट स्वा नेड़ से बंदे का खोपड़ा फट जाए और निकल जाए हरा धुआं। तो इस भाई की हो गई भैया क्रेट ओपनिंग, जिसमें हमारा एक किल निकल गया। अब ये भाई भी टपक गया था और देखो भाई हम कितनी देर से यहीं पर फाइट लेने लग रहे थे, तो सर्कल भी यहीं पर बढ़ने लग रहे थे और भाई बंदे यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गए थे। अब सामने भी फाइट होने लग रही थी। और यहाँ पर भाई अभी ये दोनों चुन्नू मुन्नू हो गए थे खत्म। और ये नजारा देखो भाई यहाँ पर कितनी दीवार बनाई हुई थी, तो बंदों की भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होने लग रही थी यहाँ पर। अब कुछ ही बंदे बचे थे, तो तीन बंदे बच गए थे और सर्कल जो है यहीं पर बनने लग रहे थे, तो मैं यहाँ पर भाई दीवार बना लेता हूँ। अब सामने एक बंदा था जिसने दीवार बनाई हुई थी, तो उसकी लोकेशन का मुझे पता था। दीवार निकल जा, दीवार जल्दी निकल। अब हमारा एक नंबर बहुत ही खतरनाक बंदा था भाई, तो ये तो पीछे काला नाग बनकर लेट गया था। और ये तीनों बंदे भाई मुझे ही देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं जंपिक जपांक जंपक जंपक करता हूँ, लेकिन भाई बंदा नहीं निकल कर आया। और अब इस चुन्नू भाई साहब को भाई मैंने आधी किलो डैमेज दे दिया था, और हमारे एक नंबर ने भाई उस साइड मार्क किया, लेकिन मैंने इसके मार्क को भाई इस तरह से इग्नोर कर दिया, जैसे ही रेंगल की बोटनी हमें इग्नोर कर देती है। भाई किलचर खुल के बता, हम तुम्हारे साथ है, जो तू हमें नहीं बता रहा तेरे दिल में जरूर ऐसी कोई बात है। बच गया हूं। लेकिन यहाँ पर भाई मैं बच गया, मुझे पीछे से आवाज आई बंदे की, तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड भी बंदा, मुझे लग रहा था कि भाई तीनों बंदे जो है आगे है, लेकिन बच गया भाई उस साइड से। वो बंदा जो है मुझे बिल्कुल इजीली भाई टपका सकता था, और अगर मैं नोक हो जाता तो भाई मुझे नहीं लगता कि हमारा एक नंबर जो है मुझे बचा लेता है या क्या करता, वो तो काला नाग बनकर लेट गया था भाई। और अब यहाँ पर भाई मेरी हो गई थी बिल्कुल बल्ले बल्ले, तो अब बचा था सिर्फ एक लास्ट बंदा, और मैं इस बंदे को नोक करके छोड़ देता हूँ। मैं इसको पूरा नहीं टपकाऊंगा, क्योंकि भाई ये उसके पास नहीं है, तो ये रिवाइव नहीं ले पाएगा, और इसको रिवाइव देने के चक्कर में ना हो सकता है कि सामने वाला कुछ गलती करे। ए भाई रिवाइव दे दे भाई, विनर 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 पाव भाजी डिनर। तो इस तरह से भाई हम अपने गली मोहल्ले का नाम रोशन कर देते हैं भाई इस वाले मैच को जीत कर, और यहाँ पर हमारे दिलचोर भाई की पेटी रोशन हो गई थी। तो उम्मीद है आपको आज की इस गेम प्ले वीडियो में 100 200 300 400 500 किलो मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको, और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किलचोर मचाएगा तब भाई।